हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा विवादास्पद बयान आया, आइए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब क्या कह रहे हो। 65 लाख एकड़ पर बोई गई थी, उसमें से 13 लाख एकड़ हरियाणा सरकार 1092 करोड़ कंपनसेशन दे रही है, जिसको 15 मई तक सबको दे देगी। उस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ के हमने सरकार बनने के बाद हरियाणा में किसानों का ब्याज समाप्त कर दिया है फसली ऋण पर, ना अब लेंगे ना आगे कभी लेंगे। हमने उनके लोन अगले 3 साल के लिए एडजस्ट कर दिए हैं, इसके लिए सरकार 281 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जो छूट ली है हरियाणा ने रंग में, आकार में, कट में, सबसे पहले पहल करके हमने कहा हमारे यहाँ छूट दीजिए, 90% तक की छूट ली है। एक एक दाना फसल का हम खरीद रहे हैं, इस बार अगर समय पर अच्छी फसल आती तो 8 करोड़ क्विंटल आती। हमारे दोबारा अनुमान बने कि 6.5 करोड़ क्विंटल आएगी फसल, अभी तक 5.5 करोड़ क्विंटल फसल आ गई है, जिसको हम खरीद चुके हैं। और इस पर जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम वैल्यू कट लगाएंगे, अगर आपका दाना अच्छा नहीं है, अगर आपका इसमें कोई गड़बड़ है रंग में, तो हम उसके पैसे काटेंगे, उसका निवेदन हमने केंद्र सरकार से किया। केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकार किया कि 75% हम वहन करेंगे, तो हरियाणा सरकार ने तय किया कि बाकी 25% हम तय करेंगे। किसानों का एक एक दाना हम खरीद रहे हैं, समर्थन मूल्य 1450 रुपये पर, लगातार बहुत अच्छी खरीद जारी है। हमने जब लगा कि किसानों की फसल खराब हो गई है, तो किसानों के बिजली के बिल, जिनका खराबा 50 से 100% था, उनके 1 साल के लिए पूरे माफ कर दिए। बहुत कुछ किया। एक मिनट सुनिए, पूरा सुनिए, पूरा सुनिए, समग्र को दिखाइए। कट पे वही अच्छाई है, वही बुराई है। आप नींबू का रस नहीं दिखाएंगे, छिलका दिखाएंगे तो अच्छा नहीं है। वही सही बताइए, रस भी बताइए, फिर आप बाकी भी बताइए, मैं उस पर भी आता हूँ। पूरा सुनिए, समग्र को बताइए, कट पेस्ट मत करिए, वही हो रहा है। फिर उससे भी आगे चल के हमने जो है एक और संकट इस बार हमारे सामने आया, वो हमने दिया 35 करोड़ रुपए वैल्यू कट का हम दे रहे हैं। इस बार चीनी के भाव सस्ते हो गए, 1 क्विंटल चीनी बनाने पर 3200 रुपये खर्च आता है, बिक रही है 2600 के भाव में। मेरे यहाँ 11 कोऑपरेटिव मिल हैं, 3 प्राइवेट मिल हैं, सब घाटे में आ गई, सब सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई कि किसानों का पैसा देना है। हम इतने घाटे में आ गए, दे नहीं सकते। मेरी सरकार 600 करोड़ रुपया चीनी मिलों को 300 दे चुके हैं, 300 और देने सपोर्ट कर रही है। एक फसल के सीजन में, मैं दावे से कह रहा हूं, पूरे देश में एक रबी की क्रॉप के सीजन में हरियाणा सरकार, ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री हरियाणा आपके सामने कह रहा है, 2000 करोड़ रुपए की मदद हम किसानों की कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ। मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने इतना गिना दिया कि आपने इतना कुछ किया है, 50 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, इसलिए आप कह रहे थे कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं कायर हैं, इसलिए, और जो आत्महत्या करना अपराध है इसलिए वो अपराधी है। मैं इसलिए आपने वो कहा नहीं, मैं उससे आगे कहा है, हरियाणा के किसान फौजियों के बाप हैं, जो सीने पर गोली खाते हैं। हरियाणा वीर भूमि है, हरियाणा के लोग ठाड़े हैं, और हरियाणा के लोग आत्महत्या जैसा रास्ता नहीं अपनाते। हरियाणा वीरों की भूमि आत्महत्या करने वालों का सम्मान नहीं करती है, यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं होता है। इसलिए हरियाणा, हाँ, इसलिए हरियाणा में आत्महत्या को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जो भी सुनिए, जो भी आत्महत्या करता है वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर और अपनी ऐसी हाउसवाइफ पत्नी पर अपना बोझ ट्रांसफर करके चला जाता है, जिसको हरियाणा में अच्छा नहीं माना जाता। ये वीरों की भूमि है, यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं है। और अगर दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है, भारत का इंडियन पेनल कोड का 309 जो धारा है वो कहती है कि कोई आत्महत्या जैसा प्रयास करता है तो वो भारत के कानून के हिसाब से, वो नहीं, ये नहीं कहा मैंने,
मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है, मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ। धनखड़ जी कटपेश मत करिए, क्या आप बताइए? नहीं एक एक बात, कोई खुश होके तो आत्महत्या करता नहीं। जाहिर तौर पर परिस्थिति आपकी सरकार ने ऐसी बनाई होगी या आपके पहले की सरकार ने, किसानों की स्थिति ऐसी होगी।